अन जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा, वहां किसी का दामन तुम्हें नजर नहीं आएगा। यहां जो दुनिया में चिल्लाते हैं मुल्ला में गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, वहां कोई दामन दामन ही नहीं नजर आएगी। वहां सारे के सारे नंगे झिड़ंगे मादरजात बरहना होंगे, किसी के जिस्म पर एक तार नहीं होगा, मर्द होंगे या औरतें होंगी। वहां कोई दामन ओमन नहीं होगा। याद रखना, ये बैत, ये सिलसिले, ये कादरी, ये चिश्ती, ये नकमंदी, ये सहवर्दी, ये फलानी, ये तिजानी, ये रिफाई, ये बदरी, सब यही धरे के, ये सब चोंचले बाजियां हैं, ढकोसले हैं, शरीयत नहीं, इस्लाम नहीं, दीन नहीं। और ए मौलवियों, ए शेखुल हदीसो, ए मुबल्लिगो और ए दीन के ठेकेदारी का दावा करने वालों, पगड़ियां सुरमे और लाल पीड़ी बांधकर उम्मत के अंदर घूमने वालों, तुम्हें हम अल्लाह की दुहाई दे रहे, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, तुम बदलो बदलो बदलो, सुधरो, तुम इस भोली भाली उम्मत को जहन्नम की तरफ न ले जाओ, जहन्नम की तरफ न ले जाओ। तुम खुद जाना है तो जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम जहन्नम दुनिया में बना लो, कट मरो, हमें कोई गम नहीं होगा। लेकिन ये बेचारी अवाम, इन्हें जहन्नम की तरफ ना ले जाओ। तुम जिन राहों पर जा रहे हो, रब की कसम है, उसके ऊपर न कुरान की रहनुमाई है, न मदीने वाले के फरमान की रहनुमाई है, हरगिज हरगिज नहीं। ये सारी राहें जहन्नम की तरफ जाने वाली हैं। हकीकी और निजात की राह वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाती है, जो मदीने वाले से मिलाती है। और सुनो, अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया, कुल्लो उम्मती, जरा हमारे नबी का फख्र भी देखो, हमारे नबी की शान भी देखो। किसी नबी ने यह दावा नहीं किया, लेकिन मेरे नबी अपनी उम्मतियों के तसल्ली के लिए दावे पर फरमा रहे हैं क्या, कुल्लो उम्मती यदखुलून अलजन्ना, मेरी उम्मत का हर आदमी जन्नत में दाखिल होगा, इल्ला मन अबा, सिवाय उसके जो खुद जन्नत में जाने से इनकार करे, सिवाय उसके जो खुद जन्नत में जाने से इनकार करे। कीला मन अबा, सहाबे कराम ने पूछा, अल्लाह के नबी कौन इनकार करेगा, कौन जन्नत में जाने से इनकार करेगा। काला मन अताअनी दखलल जन्ना, आपने फरमाया जो मेरी इत्तेबा करेगा, मेरी पैरवी करेगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन असानी फकद अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने खुद जन्नत में जाने से इनकार कर। ए लोगो, जो लोग ए मौलवियों, शेखुल हदीसो, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए उम्मत को छोड़ दो, उम्मत को छोड़ दो। तुम पूजो कब्रों, तुम दौड़ो इधर उधर, इमाम और फना फना ढूंढो, इस उम्मत को नबी की इमामत पर यकीन है कि नहीं है, बोलो बोलो। कहते हैं कुरान नहीं समझ सकते, हदीस नहीं समझ, क्यों भाई, क्यों नहीं समझ सकते? आलिम ही समझ सकता है। हमने कहा तुम आलिम कैसे बने, तुम्हारा बाप अंग्रेजी अरबी जानता था, तुम्हारी मां अरबी जानती थी, मदरसों में गए, मौलवी तुमसे जो बड़े थे उनके सामने उर्दू में काला काला यकूलो काला कौलन कौलन याद किया तुमने, रट्टी मारी, 8 बरस तक लुंगियां फाड़ी तुमने, चटाइयां तोड़ी, उम्मत के सदकात जकात खाए, उर्दू में पढ़ा तुमने, उस्ताद ने उर्दू अरबी से किसमें बतलाया, उर्दू में बतलाया, तुम्हारी समझ में आ गया, तुम क्या धुले धुलाए आसमान से उतरे थे, तुमने उर्दू में समझ लिया। हम इन आवाम को, अल्लाह के बंदों को, नबी की उम्मत के लोगों को उर्दू ही अरबी पढ़कर उसका उर्दू में तर्जमा करते हैं, इनकी समझ में बात नहीं आती। यारो, आपकी समझ में कुरान का मतलब तर्जमा नहीं आता? अब मैं कहता हूं इनसे पूछो, अगर उम्मत तर्जमा नहीं पढ़ सकती, समझ नहीं सकती, तो फिर तुमने कौम के पैसे ले लेकर कुरान का उर्दू में, तेलुगु में, केरला में, इंग्लिश में तर्जमा ही क्यों किया, जलीलो, क्यों तुमने तर्जमा किया? ये जलील है, ये जलील है, झूठ बोलते हैं, हाँ छुपाते हैं दीन को कि तुम कुरान पढ़ने लगोगे,
तो तुम समझने लगोगे तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, सुन्नत क्या है, हदीस क्या है, नबी का मकाम क्या है, रसूल का की अजमत क्या है, मोहब्बत का तरीका क्या है, मेयार क्या है। इसलिए उम्मत की डोर को कुरान और हदीस से कट कर क्या करो, लाल पीली किताबें पढ़ो, इनकी गंध लिखी हुई 14 सदी के मुल्लाओं ने जो गंध लिखी है इसको पढ़ो, चंद आयतें चंद हदीसें, और उसके बाद फा लगाकर अपना फसाद जड़ा है फितना। सीधा साधा कुरान और हदीस इनको पढ़ाए, इंशाअल्लाह सब समझ जाएंगे, लेकिन ये फसादी नहीं समझने देते हैं मौलवी। और ए उम्मत मुस्लिमा के लोगो, और ए नबी की उम्मत के लोगो, ये मौलवी तुम्हारी कब्र में नहीं जाएगा, सुनो मेरी आवाज सुन रहे होंगे, मौलवी भी यहां नहीं आएंगे, चाय के होटलों पे बैठे होंगे। और बीदर के लोगों ने अच्छा इंतजाम किया हुआ, चौक तक पूरा लाउड स्पीकर लगाया हुआ, घर घर में बैठ के सुन रहे होंगे चाय की चुस्कियों पर कि रब्बानी आया है, पता नहीं क्या क्या गालियां बके। मैं गाली बकने नहीं आया, मैं तुम्हें हिदायत की क्षमा देने आया। तुम मौलवी हो गए तो क्या जन्नत में चले जाओगे? हजरत उमर, अल्लाह हू अकबर, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर, सहाबे कराम जिन्हें अल्लाह के नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, वो तो अल्लाह से इतना डरते कि रातों को रोते। तुमने दारुल उलूम की सर्टिफिकेट लेके ये समझा कि बस ये जन्नत की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। रब्बे जलाल की कसम है, यही इस उम्मत के बदकार और बदमाश और बद किरदार बदअकीदा मौलवी होंगे जो सबसे पहले जहन्नम में डाले जाएंगे। ए उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, यही वो रियाकार दीन को बेचने वाले, इस्लाम के नाम पर रोटियां खाने वाले, नबी की मोहब्बत का दावा करके नबी के दीन को बिगाड़ने वाले ये बिदअती, ये बदकिरदार मौलवी, ये बुरे उलमा, अपने नामों के आगे एक एक मीटर के अलकाब लगाने वाले, यही वो लोग हैं जो इस्लाम के सबसे बड़े गद्दार हैं। और ए उम्मत मुस्लिमा के अवाम, इनकी वकालत ना करो, इनकी वकालत करोगे तो उन्हीं के साथ तुम भी जहन्नम में जाओगे। याद है, हर आलिम हमारा आलिम है, शर्त यह है कि वो हमें वो राह बतलाए जो रब के कुरान का रास्ता हो, नबी के फरमान का रास्ता हो। हमें ऐसे आलिम से मोहब्बत है उसका सराखों पे, लेकिन ऐसा मौलवी जो हमें मदीने और मक्के से दूर करके कूफा बसरा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश न जाने कहां कहां की राहों पर ले जाए, ऐसे मौलवी की हमको जरूरत नहीं। इसलिए ए उलमा हजरात, आप तौबा करो अल्लाह ताला से। इस वक्त मिशन यही चलाना चाहिए, मौलवियों को तौबा कराना चाहिए, यही लोग फितना है अल्लाह की से। सीधा कुरान है, हदीस है, शिर्क अल्लाह ने फरमा दिया, बात खत्म। वमा अताकुम रसूल फखजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, बात खत्म। दीन यही है, अल्योमा अकमलत लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल। और जाओ इस मौलवी से पूछो एक फार्मूला, बीदर के लोगों सुनो, इस मौलवी से पूछो कि मौलाना जितना दीन अबू बकर ने माना, जितना दीन उस्मान ने माना, उमर ने माना, तलहा ने माना, अली ने माना, जुबेर रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने माना, अगर उतना दीन हम माने तो जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इस मौलवी से पूछो, मैं आपसे जवाब नहीं चाह रहा, मौलवी से पूछो। मौलवी हां कहे तो भी मारा जाए, ना कहे तो भी मारा जाए। कहेगा तुम लोग अटकल पच्छू सवाल करते हो, पता नहीं उल्टा सीधा कैसे सवाल। सीधा सा सवाल है, वमन युति अल्लाह व रसूलहु फौलाइका मअल लजीना अनअम अल्लाह अलैहिम। मन युति अल्लाह व रसूलहु, मन युति अल्लाह والرسول فقد فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين। जो अल्लाह की इताअत करेंगे, जो रसूल की इताअत करेंगे, उनका हश्र किसके साथ होगा? वो उन लोगों के साथ कयामत के दिन उठाए जाएंगे